You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखकर खुद को अपडेट रखें। 2022 में इंस्टॉल 6100 क्रिप्टो एटीएम पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना कम। रशिया ने क्रिप्टो की अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में शामिल किया। वेल ने इथेरियम होल्डिंग्स को रिमूव करना शुरू किया। बाइनेंस यूएस क्रिप्टो लैंडर वोएजर के लिए बोली लगाने के लिए सीजेड कंफर्म करते हैं। क्रिप्टो लैंडर होडल नॉट कथित तौर पर सिंगापुर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहा है। वीआरजेएम ने वीआरजेएम के कॉइन लॉन्च से पहले एपिक गेम्स द्वारा सपोर्टेड नए प्रोजेक्ट का खुलासा किया। सैंडबॉक्स के केपॉप वेब 3.0 स्टार्टअप मॉड हाउस के साथ पार्टनरशिप की। बाइनरी एक्स ने वर्ल्ड बिल्डिंग एमएमओ साइबरलैंड के लिए कंसेप्ट आर्ट जारी की। एफटीएक्स और टेरा रिपीट को रोकने के लिए साउथ कोरिया ने क्रिप्टो रेगुलेशंस को रिवैम्प किया। एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन बॉन्ड के लिए बिल पेश किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान बढ़ रहे हैं फेक क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट ने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन फंड की घोषणा की। न्यू डेटा से पता चला है कि 2022 के पहले 11 मंथ्स में 6100 क्रिप्टो एंड बिटकॉइन ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स इंस्टॉल की गई थी। लेटेस्ट डेटा 2021 में इंस्टॉल एटीएम की तुलना में लगभग 3 गुना कम है। डेटा से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 34,000 से अधिक क्रिप्टो एटीएम है, जो सभी इंस्टॉल मशीन्स का लगभग 90% है। रशिया में लॉ मेकर्स नेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज के परमिशन देने के लिए लेजिस्लेशन बदलने पर काम कर रहे हैं। रशिया क्रिप्टो करेंसी पर अपनी आइडियाज में फुल 180 डिग्री टर्न के करीब है। रशियन सेंट्रल बैंक ने हमेशा क्रिप्टो को जॉन्डिस आई से देखा था और ऐसा लगता है कि बैन का सपोर्ट किया है। क्रिप्टो के प्राइसेस सबसे लो लेवल पर गिरने के बाद वेल एक्टिव हो गए हैं, डिप खरीदना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस में 8% और 10% रिस्पेक्टिवली से अधिक की वृद्धि के साथ क्रिप्टो मार्केट में सुधार हुआ। अब वेल ने इथेरियम को लिक्विडिटी पूल्स एंड डिफाई लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म से हटाना शुरू कर दिया है। बाइनेंस के सीईओ चेंज बैंक सीजी जाओ ने कंफर्म किया है कि एक्सचेंज की यूएस विंग क्रिप्टो लेंडर वॉयजर के लिए अब एक नई बोली लगाई जाएगी, क्योंकि पैसिव एफटीएक्स इसे प्राप्त करने में अनेबल है। लोकल मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस की कमर्शियल अफेयर्स के डिपार्टमेंट ने अगस्त और नवंबर 2022 के बीच प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई कंप्लेंट्स के आधार पर एक्सचेंज के फाउंडर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। लीडिंग इमर्सिव लाइव इवेंट प्लेटफॉर्म वीआरजेएम ने आज आर्टिस्ट को मेटावर्स में लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए एम्पावर्ड बनाने के लिए एक एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट को अनवील किया, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी द्वारा ऑपरेटेड है, गेम डेवलपर एपिक गेम्स। सैंडबॉक्स और मॉड हाउस ने एक टीम बनाने के लिए पार्टनरशिप किया है, जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ये एंटिटी के पॉप वेब 3 पर बना हुआ एक स्टार्टअप है। ये टीम सभी एसोसिएटेड फैंस के लाभ के लिए एक एप्रोप्रिएट और सफिशियंट प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट की शुरुआत को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से वर्चुअल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज्ड और पोजीशन किसी भी इवेंट से जुड़ने की स्थिति में होंगे। बाइनरी एक्स ने कंफर्म किया है कि वह एक न्यू फ्री टू प्ले प्ले टू ओन गेम साइबरलैंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा ऑपरेटेड एक ओपन वर्ल्ड MMO पर काम कर रहा है। टीम ने अभी कंसेप्ट वीडियो जारी किया है, जो गेम के टेरेंस एंड फीचर्स का पहला रूप देता है।